Download the Nursing Lecture app and get access to the premium videos, articles, mnemonics, practice test series and chat completely free. Get it from the Play Store. Hi everyone, आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टोग्राफ के बारे में. सो पार्टोग्राफ, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ग्राफ दैट इज ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, पार्टोग्राम भी इसे कहते हैं. और पार्टोग्राफ की जो रिकॉर्डिंग है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है सर्वाइकल डायलिटेशन, उस सर्वाइकल डायलिटेशन को टाइम्स एन आर के रिलेशन में मेजर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली जो एक पेपर शीट पे रिकॉर्ड किया जाता है कि जिस रेट पे सर्वाइकल डायलिटेशन होना चाहिए, अगर ये अप्रोप्रिएट है लेबर के फर्स्ट स्टेज में, देन लेबर विल बी फाइन. सो इस चीज़ को मेजर करने के लिए पार्टोग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है और इसे सर्वाइकोग्राफ भी कहते हैं. और पार्टोग्राफ को फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इमैनुअल फ्रिडमैन के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1954, और इसे WHO ने डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया था लेटर ऑन. सो जब WHO ने कई वर्जन्स निकाले हैं उसमें सबसे पहला जो वर्जन है, जो कि इनिशियली बताया गया था, उस पार्टोग्राफ के वर्जन को कहा गया है कंपोजिट पार्टोग्राफ. ओके, सो लेट्स सी कंपोजिट पार्टोग्राफ के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं. ओके, विल सी हियर. सो हियर इज द कंपोजिट पार्टोग्राफ, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं. लेट मी चेंज द इंक. सो यहाँ पे इनिशियली आपको ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन डेटा, यानी जो मदर है उसके बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है. कैसे फिल करते हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी. सबसे पहले कंपोजिट पार्टोग्राफ के अंदर मेन क्या फीचर्स हैं जो कि लेटर ऑन मॉडिफाई किए गए. सो यहाँ पे है फीटल हार्ट रेट, देन उसके बाद है लिकर दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड रिकॉर्डिंग, मोल्डिंग, उसके बाद है सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर जिसे हम एक्स मार्किंग के जरिए डिनोट करेंगे, और उसके बाद आता है डिसेंट ऑफ हेड. यहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें दो फेजेस होते हैं, वन इज लेटेंट फेज जो यहाँ पे दिख रहा है एंड सेकेंड वन इज द एक्टिव फेज. ओके, सो क्या होता है लेटेंट फेज में, प्राइमरी ग्रेविड वुमेन यानी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें जो लेटेंट फेज होता है, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, लेटेंट फेज 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है इन प्राइमरी ग्रेविड वुमेन. सो यहाँ पे इस तरीके से शो किया गया है कि अगर एक वुमेन जीरो सेंटीमीटर डायलिटेशन पर अगर एडमिट होती है तो उस कंडीशन में 0 to 8 आवर्स के अंदर, 0 to 8 आवर्स दीज आर दी आवर्स, यहाँ पे जो ये जो लाइनिंग है ये एक्स एक्सिस, इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन है इन सेंटीमीटर, और जो वाई एक्सिस पे दिख रहा है आपको ये क्या है, टाइम्स इन आवर्स. सो अगर सपोज अगर 9 AM पे वो एडमिट होती है मॉर्निंग में और अगर 0 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे विद द मार्किंग ऑफ एक्स एट दैट टाइम, और लेटेंट फेज यानी 8 आवर प्राइमरी ग्रेविड वुमेन के अंदर कंप्लीट होने के लिए कितना सेंटीमीटर डायलेट ओनली करता है, 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन. जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के लिए एक वुमेन को कितना टाइम लग रहा है इन प्राइमरी ग्रेविड, दैट इज 8 आवर. ओके, नाउ व्हाट इज द एक्टिव फेज. एक्टिव फेज के अंदर कहा गया है कि नॉर्मली इसका जो डायलिटेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन से. सो इस लाइनिंग को आप देख सकते हो, दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो रेट ऑफ डायलिटेशन है वो किस तरीके से होगी, 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 3 से लेके मैक्सिमम डायलिटेशन आपको पता है 10 सेंटीमीटर होता है. सो हियर इट इज़ द 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन एंड हियर इट इज़ द 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन. सो 3 to 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के लिए एक वुमेन को कितना टाइम लग रहा है, यू कैन काउंट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 आवर्स. इज दैट क्लियर, यानी जो रेट ऑफ डायलिटिंग सर्विक्स है वो क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर पर आवर. सो एक्टिव फेज के अंदर जो मेजर करते हैं
एक्टिव फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन एंड ये कंप्लीट होता है 10 सेंटीमीटर पर। सो फ्रिडमैन के जरिए बताया गया था कि एक्टिव फेज भी अगेन 3 में डिवाइडेड है। व्हाट आर द 3 फेजेस, लेट्स सी हियर। सो एक्टिव फेज के अंदर भी 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। वन इज द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ एक्सेलरेशन। और जैसे कि आपको बोल चुकी हूँ कि लेटेंट फेज कहाँ तक होता है, 0 से 3 सेंटीमीटर तक, और एक्टिव फेज 3 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। और एक्टिव फेज को भी अगेन 3 में डिवाइड किया गया है, वन इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन के अंदर ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 3 सेंटीमीटर। सो एक्सेलरेट हो रहा है यानी स्लाइटली जो एक जो रेट है सर्वाइकल डायलेटेशन की, जो स्लो है, वो सडनली क्या होगी, राइज। सो 3 to 4 सेंटीमीटर जब डायलिटेशन होता है यहाँ पे, उसे क्या कहा गया है, फेज ऑफ एक्सेलरेशन। सेकेंड फेज कहा गया है फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, यानी इसके अंदर 4 से लेके 9 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन होगा और ये 9 सेंटीमीटर सडनली क्या होगा, इंक्रीज। सो इसलिए कहा गया है मैक्सिमम स्लोप। और थर्ड क्या है, फेज ऑफ डिसेलरेशन, फेज ऑफ डिसेलरेशन, और इसकी जो रेट होती है वो क्या है, 9 to 10 सेंटीमीटर। सो 9 से 10 सेंटीमीटर में जो आर लगते हैं उसे क्या कहा गया है, डिसेलरेशन फेज। सो जब इस तरीके से ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है, वंस अगेन आई शो यू हियर। सो यहाँ पे जब ग्राफिकल रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरीके से मेंशन होगा ये सारे फेजेस, सी हियर। यहाँ पे क्या होगा, 3 to 4 सेंटीमीटर के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज फेज ऑफ एक्सेलरेशन, देन फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। और 9 to 10 सेंटीमीटर में क्या होगा, दैट इज फेज ऑफ डिसेलरेशन। तो यहाँ पे जो कर्व बनता है, इसे क्या कर्व कहा गया था, एस शेप कर्व, जिसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। ओके, सो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था सर्वाइकल डायलिटेशन के अंदर, वो कौन कौन सी फेजेस हैं बाय फ्रिडमैन, वन इज लेटेंट फेज। ओके, सो हियर इट इज द लेटेंट फेज एंड द अनदर वन इज एक्टिव फेज। लेटेंट फेज स्टार्ट होता है 0 सेंटीमीटर से कहाँ तक, 3 सेंटीमीटर तक। सो 0 से 3 सेंटीमीटर तक अगर वुमेन एडमिट होती है तो वो कौन से फेज में एडमिट हो रही है, लेटेंट। एंड वंस 3 सेंटीमीटर इज स्टार्टेड तो 3 से 4 सेंटीमीटर में क्या होगा, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, देन आएगा फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। और 9 से 10 सेंटीमीटर में क्या होगा, दैट इज डिसेलरेशन। सो यहाँ पे जो कर्व बन रहा है उसे क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। सो ये किसके जरिए बताया गया था, फ्रिडमैन के जरिए। नाउ ये तो फ्रिडमैन ने बताया था, इसके बाद लेटर ऑन क्या था, फिलपोर्ट एंड कैसल, व्हाट इट इज, अगेन टू अनदर पर्सन जिन्होंने इसमें एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, फिलपोर्ट एंड कैसल, दे वर द 2 पर्सन। और इन्होंने 1972 के अंदर अगेन 2 लाइंस के बारे में यहाँ पे बताया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट आर द 2 लाइनिंग्स, वन इज द अलर्ट लाइन, दिस वन, सो यू कैन सी हियर। सो फिलपोर्ट एंड कैसल ने इसी पार्टोग्राफ के अंदर 2 और चेंजेस बताया, वन इज अलर्ट लाइन, दिस वन, एंड द अनदर वन इज एक्शन लाइन। ओके, सो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का मतलब क्या है, कि उनके जरिए कहा गया कि अगर 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन से 10 सेंटीमीटर जो डायलिटेशन होता है उसकी रेट क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 3 से 10 सेंटीमीटर तक पहुंचने में वुमेन को 7 आवर्स मोर चाहिए। अगर प्लॉटिंग करते वक्त, पार्टोग्राफ प्लॉटिंग करते वक्त अगर जो लाइनिंग है वो अलर्ट लाइन पे या फिर इसी लेफ्ट साइड में आती है, मींस लेबर जो प्रोग्रेस हो रही है वो क्या है, एट अ नॉर्मल रेट। ओके, एंड अगर प्लॉटिंग अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में आती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर वुमेन प्राइमरी सेंटर पे है तो उसे रेफर करना है टू सेकेंडरी सेंटर्स और हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर,
और उनको क्लोजली विजिलेंस करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, और अगर प्लॉटिंग करते वक्त लाइन जो है वो एक्शन लाइन पे या फिर राइट टू द एक्शन लाइन आती है, तो उस कंडीशन में जो स्किल ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं उनके ज़रिए अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी देर में भी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन और सिजेरियन सेक्शन के लिए भी वो ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि लेबर जो है वो किस कारण से स्लो है या फिर अरेस्टेड है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन अप्रोप्रिएट एक्शन कुड बी टेकन बाय अ स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन। सो इस तरीके से जो दो लाइन होती है, अलर्ट लाइन एंड द एक्शन लाइन, ये जो लाइन्स हैं ये किसके ज़रिए इंट्रोड्यूस की गई थी, फिलपोर्ट एंड कैसल के ज़रिए। ओके, सो अलर्ट लाइन 1 cm/hr के हिसाब से ही डायलेट होती है, एंड एक्शन लाइन जो है ये 4 cm अलर्ट लाइन से 4 cm राइट साइड में प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट यहाँ पे आपको अलर्ट लाइन दिख रही है, तो 1, 2, 3 and 4 आर अवे फ्रॉम द अलर्ट लाइन, राइट साइड टू द अलर्ट लाइन क्या ड्रॉ की जाती है, एक्शन लाइन, जो कि इससे क्या होती है, पैरेलल होती है। सो इसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज फिलपोर्ट एंड कैसल। इसके अलावा एक और फीचर को इंट्रोड्यूस किया था फिलपोर्ट एंड कैसल ने, और वो क्या है, दैट इज डिसेंट ऑफ हेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर इट इज द डिसेंट ऑफ हेड, और हेड डिसेंट को यहाँ पे किसके जरिए प्लॉट करेंगे, ओ मार्किंग के जरिए। सो ये पार्टोग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट पार्टोग्राफ। ओके, सो कंपोजिट पार्टोग्राफ में फीटल हार्ट रेट, सर्वाइकल डायलिटेशन एज वेल एज डिसेंट ऑफ हेड जो कि फिलपोर्ट एंड कैसल के जरिए इंट्रोड्यूस किए गए थे, अलर्ट एंड एक्शन लाइन एज वेल, और कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ड्रग इन्फ्यूजन, मैटरनल आउटकम रिगार्डिंग द पल्स एज वेल एज द ब्लड प्रेशर एज वेल एज द टेम्परेचर, और उसके बाद में यूरिन आउटपुट के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। सो ये जो पार्टोग्राफ है ये WHO के जरिए 1994 के अंदर इन डेवलपिंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट पार्टोग्राफ। ओके, नाउ आई विल शो यू द अनदर वर्जन ऑफ पार्टोग्राफ जो कि WHO ने लेटर ऑन इन 2000 रिलीज किया था, और उसे बोलते हैं मॉडिफाइड पार्टोग्राफ। सो उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए, और फाइनली पार्टोग्राफ के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे की जाती है, कैसे प्लॉटिंग की जाती है। तो यहाँ पे है मॉडिफाइड पार्टोग्राफ जो कि 2000 के अंदर WHO के जरिए रिलीज किया गया था। सो सबसे ऊपर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ मदर, दैट इज नेम, देन कम्स द ग्रेविडा, देन यानी कि वुमेन जो है वो कितनी टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, पैरा कितनी बार उसकी जो प्रेगनेंसीज हैं वो वायबिलिटी को क्रॉस कर चुकी हैं, एंड अनदर हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, एट वॉट टाइम शी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, टाइम ऑफ एडमिशन, और मेम्ब्रेन कब रप्चर हुई है उसकी टाइमिंग, तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद आता है FHR, सो यहाँ पे हम देखेंगे फीटल हार्ट रेट। सो नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती हैं, जो बेस लाइन वेरिएबिलिटी है वो कितनी है, 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट। ओके, सो FHR की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, फीटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड करते हैं बाय डॉट्स। सो यहाँ पे जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, दी स्मॉल बॉक्सेस, ये बॉक्स क्या इंडिकेट करते हैं, 30 मिनट की रिकॉर्डिंग इंडिकेट करते हैं, दीज ऑल बॉक्सेस इंक्लूडेड 30 मिनट रिकॉर्डिंग। सो बेस लाइन के अकॉर्डिंग जब भी वुमेन एडमिट होती है तो उसी के साथ में हमको, वैसे तो FHR की जो रिकॉर्डिंग होती है वो हर 30 मिनट के अंदर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, बट इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम यूजुअली कितने टाइम ड्यूरेशन में FHR रहते हैं, 15 मिनट्स के अंदर हम फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, बट यहाँ पर रिकॉर्डिंग ओनली क्या होती है, हर 30 मिनट के अंदर। सो सपोज इफ इट कम्स ऑन 120, देन हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन करना है इस तरीके से डॉटेड मार्क से, सो लाइक दिस वी मेजर इन एवरी 30 मिनट, एंड इन सारे डॉट लाइन को हम फाइनली क्या करेंगे, बाय स्ट्रेट लाइन हम इनको क्या कर लेंगे, ज्वाइन। सो इस तरीके से फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। नाउ फीटल हार्ट रेट यानी जो बेस लाइन है 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट तक क्या होती हैं, नॉर्मली बेस लाइन रहता है फीटल हार्ट रेट का।
इसके बाद क्या आता है दूसरी फाइंडिंग, जिसे यहाँ पे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। सो एमनियोटिक फ्लूइड यूजुअली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या रहती है, इंटैक्ट। और अगर आपको रिकॉर्डिंग के वक्त भी मेम्ब्रेन इंटैक्ट दिख रही है तो क्या लिखना है, आई। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू राइट आर, रप्चर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद अगर लिकर एमनाई कंप्लीटली एबसेंट है तो इन दैट कंडीशन यू नीड टू राइट ए, ए मीन्स एबसेंट। और अगर जो मेम्ब्रेन है अगर वो रप्चर हो जाती है और दे आर स्टेन विद द मीकोनियम दैट इज द फीटल स्टूल, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एम। और अगर लिकर एमनाई स्टेन है विद द ब्लड, इफ़ देर इज़ अ प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा और उसके साथ में ही जो लीकी कैपलरीज हैं अगर उसके साथ में अगर एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ब्लड स्टेन। सो दीज आर द फीचर्स जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड लिकर एमनाई के बारे में लिखेंगे, इंटैक्ट, रप्चर मेम्ब्रेन, एबसेंट एमनियोटिक फ्लूइड, मीकोनियम स्टेन और ब्लड स्टेन। नाउ कम्स द मोल्डिंग। सो मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो फीटल स्कल होता है इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो कि फीमेल पेल्विस से होकर गुजरता है। तो हम ये असेस करते हैं कि फीटल हेड कितना कंप्रेस हो रहा है एट द टाइम ऑफ लेबर, और इसको मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए हम मेजर करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फीचर बताऊंगी फिगर के जरिए कि किस तरीके से मोल्डिंग को असेस किया जाता है। मोल्डिंग के अंदर जो फीटल स्कल की वॉल्ट बोन्स जो है वो कितनी क्लोज आ रही है या वो कितनी ओवरलैप हो रही है इसको असेस किया जाता है। सो लेट मी शो यू द इमेज हियर। ओके, इन दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पे हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, दिस आर द बोन्स ऑफ स्कल। अगर हम पर्वजनल एग्जामिनेशन के जरिए ये मॉनिटर करते हैं कि बोन्स जो है वो सेपरेटेड हैं और स्यूचर्स यानी जो बोन्स के बीच में गैप है वो इजीली फील हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन वी नीड टू राइट ओ, यानी मोल्डिंग जो है वो नहीं हो रही है, यानी जो बोन्स हैं वो ओवरलैप या फिर पास में नहीं आ रही हैं। सेकेंड फीचर के अंदर हमको दिख रहा है कि जो स्यूचर्स हैं जो बोन्स के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम हो चुका है, और यहाँ पे जो बोन्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के क्या हो चुकी है, क्लोज आ चुकी हैं, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो इन दैट कंडीशन विल नीड टू राइट प्लस वन। इन थर्ड कंडीशन यू कैन सी हियर, जब बोन्स बोनी पेल्विस से गुजरती हैं और फीटल हेड जो है वो और ज़्यादा कंप्रेस होता है, इन दैट कंडीशन बोन्स जो है वो स्लाइटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, बोन जो है वो क्या कर जाती है, ओवरलैप। लेकिन विद द प्रेशर ऑफ द फिंगर्स पर्वजनल एग्जामिनेशन के जरिए जब हम प्रेशर देते हैं तो बोन्स जो है वो ईजिली सेपरेट हो जाती हैं, तो इन दैट कंडीशन वी नीड टू राइट प्लस टू। एंड द लास्ट वन इज द प्लस थ्री, जिसमें आप देख सकते हैं बोन्स जो हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और वो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी फीटल हेड जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है टू कम फ्रॉम द फीमेल पेल्विस। इन दैट कंडीशन जब पर्वजनल एग्जामिनेशन करते हैं और जब बोन्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में वो सेपरेट नहीं हो पा रही है, मीन्स वो जो ओवरलैपिंग है वो बहुत टाइटली हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, प्लस थ्री। सो डिपेंडिंग ऑन कि बोन्स के बीच में कितना गैप है और वो कितनी ओवरलैप कर रही है उसके बेसिस पे हम क्या लिखते हैं, मोल्डिंग। ओके, सो लेट मी शो यू क्या लिखेंगे हम, ज़ीरो, इट मे बी प्लस टू, इट मे बी प्लस सॉरी वन, इट मे बी प्लस टू और मे बी प्लस थ्री। सो डिपेंडिंग ऑन ओवरलैपिंग हम मार्किंग लिखेंगे। नाउ क्योंकि ये सेकेंड वर्जन है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मिसिंग है वो क्या है, लेटेंट फेज की रिकॉर्डिंग। सो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ के अंदर क्या चेंजेस किए गए थे, जो लेटेंट फेज है क्योंकि वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है और लेटेंट फेज से लेके एक्टिव फेज के अंदर प्लॉट करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, इस कंडीशन के कारण WHO ने जो मॉडिफाइड किया है इस पार्टोग्राफ को वो ये किया है कि इसमें से लेटेंट फेज को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पर लेटेंट फेज की रिकॉर्डिंग नहीं है, और दूसरा उसी के साथ में जो एक्टिव फेज की रिकॉर्डिंग है, एक्टिव फेज की रिकॉर्डिंग जो कि उसके अंदर 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो कितने सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है, 4 सेंटीमीटर से। सो इन एक्टिव फेज जो ये लाइन जा रही है अलर्ट लाइन, इट स्टार्ट फ्रॉम 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन, इज दैट क्लियर। सो ये कुछ चेंजेस किए थे इन मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेगी,
4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के लिए जो रेट है वो क्या होती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर आर। सो उसी के हिसाब से 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड करेंगे आर्स। सपोज अगर एक वुमेन 10 एएम को एडमिट होती हैं और इट इज़ अबाउट 11, दिस सो दिस इज 1 आवर एंड दिस इज सेकेंड आवर। ओके, सो लाइक दैट वी विल काउंट। और यहाँ पे जो लार्ज बॉक्स है, ये जो लार्ज बॉक्स है ये क्या मेजर करता है, 1 आवर, और जो स्मॉल बॉक्सेस है ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, 30 मिनट्स। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो दीज आर द 30 मिनट रिकॉर्डिंग एंड दीज आर दी 1 आवर रिकॉर्डिंग। सो रेट ऑफ डायलिटेशन सेम रहेगा, 1 सेंटीमीटर पर आर, और अलर्ट लाइन एक्शन लाइन आर द सेम, और इसमें भी डिसेंट को प्लॉट किया जाएगा। सो सर्वाइकल डायलिटेशन को एक्स से मॉनिटर करते हैं। अगर जो डायलिटेशन है ये डायलिटेशन एक्स से रिकॉर्ड करते हैं, और अगर प्लॉटिंग जो है ये इस अलर्ट लाइन के ऊपर या फिर अलर्ट लाइन से लेफ्ट आती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल रेट है वो क्या है, अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर प्लॉट करते वक्त रिकॉर्डिंग अलर्ट लाइन से राइट साइड चली जाती है, तो इन दैट कंडीशन, जो कि पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर वुमेन प्राइमरी सेंटर पे हैं तो उसे हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर मूव करना होगा, और अगर क्लोज इसी के साथ में मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या होगा कि जो लाइन है अगर ये एक्शन लाइन पे या फिर राइट टू द एक्शन लाइन आती है, तो इस कंडीशन में स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन के जरिए क्या लेना होगा, अप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो इस तरीके से हम एक्स के साथ में प्लॉट करते हैं और उसे फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है, दिस यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये क्या शो करती है, फ्रॉम 0 to 10 इट इज़ इंडिकेटिंग सर्वाइकल डायलिटेशन। तो डिसेंट ऑफ हेड को हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे ओ मार्किंग्स हैं। सो इस तरीके से हम ओ लिखेंगे। सो इसी के अकॉर्डिंग ओ एंड देन फाइनली इन लाइन ओस को भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन विद अ स्ट्रेट लाइन। सो डिसेंट ऑफ हेड को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरी इमेज शो करूँगी। सो डिसेंट ऑफ हेड को हम कैसे मेजर करेंगे, बाय अ एब्डोमिनल पाल्पेशन मेथड, फिंगर मेथड के जरिए, फिंगर ऑफ 5 के जरिए। इसमें हम पर वजनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, वेरिजन हम क्या करेंगे, फिंगर मेथड यूज़ करेंगे। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के जरिए, जैसे कि इस फर्स्ट फिगर के अंदर आप देख सकते हो, जब हम हैंड को प्लेस करते हैं, और जब हैंड को प्लेस करते हैं तो इन दैट कंडीशन जब हमारी 5 फिंगर्स अबव रहती है टू द पेल्विक ब्रिम, तो इन दैट कंडीशन ये क्या शो कर रहा है, 5 5 कैसे मेजर करेंगे, 5 5। ओके, 5 5 यानी क्या है, पांचों फिंगर जो है वो हमारी पेल्विक ब्रिम से क्या है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो पेल्विक ब्रिम से ऊपर रहती है तो हम क्या मार्क करेंगे, 5। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट फिगर में दिख रहा है कि हेड स्लाइटली डीपली एंगेज इन द पेल्विक ब्रिम, सो डीपली एंगेज होने के बाद जब हेड पेल्विक ब्रिम में एंटर कर जाता है, तो पेल्विक ब्रिम से ऊपर हमें ओनली कितनी फिंगर्स पालपेट हो रही हैं, जो कि हेड को इंडिकेट करती हैं, ओनली 2 फिंगर्स अबव। सो 2 फिंगर प्यूबिक पेल्विक ब्रिम से ही ऊपर है फीटल हेड, बाकी जो है वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर चुका है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या लिखेंगे, 2। इज दैट क्लियर? सो एक और इमेज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में भी, जैसा कि इस फर्स्ट फिगर में बता रखा है कि जब हमारी 5 फिंगर्स अबव रहती हैं और 5 फिंगर से आप फीटल हेड को पालपेट कर सकते हैं, तो वी नीड टू राइट 5। देन स्लाइटली जब पेल्विक ब्रिम के अंदर फीटल हेड डिसेंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में ओनली 4 फिंगर ही पालपेट हो रही है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या लिखेंगे, 4। तो उसी तरीके से है 3 2 1 और 0। और 0 का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली जो हेड है वो पेल्विक कैविटी में एंटर कर चुका है, और पेल्विक ब्रिम के ऊपर हम क्या नहीं फील कर पा रहे हैं, कोई भी फीटल हेड का पार्ट, यानी 0। सो इन दैट कंडीशन वी नीड टू राइट 0। सो इस तरीके से हम 5 से 0 तक रिकॉर्ड करेंगे पार्टोग्राफ के अंदर। नाउ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल पाल्पेशन के जरिए मेजर करेंगे, जिसमें दोनों हैंड्स को वुमेन के एब्डोमेन पे प्लेस करेंगे और यूट्राइन हार्डनेस को हम चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त यूट्रस जो है वो कितने सेकंड के लिए हार्ड हो रहा है।
तो हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने देर के लिए लास्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप बता सकते हैं कि माइल्ड टाइप के हैं या मॉडरेट या सीवियर टाइप के कॉन्ट्रैक्शन। सो क्या है माइल्ड? अगर माइल्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है तो जैसे कि सपोज यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है हर 10 मिनट्स के अंदर कितने हो रहे हैं उसको मार्क करते हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं ये एक बॉक्स शो करता है कि एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर माइल्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होता है, माइल्ड यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 सेकेंड या उससे कम देर के लिए लास्ट करते हैं, तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं? बाय डॉटेड बॉक्स। ओके, सो डॉट बॉक्स शो करता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी 20 सेकेंड और उससे कम देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन लास्ट करता हूँ, माइल्ड। मॉडरेट, मॉडरेट टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को हम स्लैंटिंग लाइन के जरिए शो करते हैं इस तरीके से, और मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन 20 से लेके 40 सेकेंड तक लास्ट करता है, 20 से लेके 40 सेकेंड, तो ये क्या है? मॉडरेट। सो स्लैंटिंग लाइन शो करती है मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सीवियर का मतलब क्या है? कि जब कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन 40 या फिर 45 सेकेंड से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या नोट डाउन करते हैं? सीवियर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मोर देन 42-45 सेकेंड। सो इसको हम किस तरीके से शो करते हैं? बाय डार्क बॉक्स। ओके, सो ये है डार्क बॉक्स, ये क्या शो करता है? सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। सो इफेक्टिवली ये कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इनिशियली स्टार्टिंग जब होती है, तो उस टाइम पे हर 15 to 30 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जो कि 20 से 30 सेकेंड के लिए लास्ट करता है, यानी माइल्ड टू मॉडरेट होता है। लेकिन लेटर ऑन एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हर 3 to 5 मिनट के अंदर रिपीट होता है, और ये सीवे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जो कि 40 से लेकर 45 सेकेंड के लिए लास्ट करता है। सो हमें यहाँ पे इसी तरीके से प्लॉट करना है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए लास्ट कर रहा है। माइल्ड है तो डॉटेड से बताना है, मॉडरेट है तो स्लैंटिंग लाइन से बताना है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हमें देखना है। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे बता रखा है ये 30 मिनट का ड्यूरेशन है, इस 30 मिनट के अंदर आपको कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ है? माइल्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि इसमें बता रहा है, यानी एक बार आपको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। इन नेक्स्ट 30 मिनट यू कैन सी हियर, यानी आपको दो टाइप के मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन फील हुए, और इन अनदर 30 मिनट यू फील ओनली वन और टू टाइप ऑफ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो इस तरीके से प्लॉट करके आपको शो करना है कि कितने कॉन्ट्रैक्शन फील हुए। देन नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेज में हम अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करते हैं वुमेन को, तो उसकी कितने यूनिट हैं, यानी आप कितने यूनिट्स जो हैं वो आरएल के अंदर इन्फ्यूज़ करके दे रहे हैं, उस यूनिट को आपको मेंशन करना है यहाँ पे। और ड्रॉप्स पर मिनट यानी जो इन्फ्यूजन है वो कितने ड्रॉप पे सेट किया है, 60 ड्रॉप पर मिनट्स या अदर, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी यूनिट्स लिखनी है, 50-60 ड्रॉप्स पर मिनट। और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कितना किया है, लाइक 1 to 2 यूनिट्स किया है आपने इनिशियल रेट पे या किस तरीके से, तो इस तरीके से ऊपर लिखना है यूनिट्स और नीचे लिखना है ड्रॉप्स पर मिनट। और अगर इसके अलावा ऑक्सीटोसिन बेसिकली देते हैं टू एक्सेलरेट द लेबर प्रोग्रेस, इसके अलावा भी अगर कोई ड्रग्स वुमेन को दी जा रही है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लाइक एंटीबायोटिक्स आप इन्फ्यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई सिडेटिव्स दे रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको वो ड्रग भी आपको मेंशन करनी है, और या फिर कोई आईवी फ्लूइड्स हैं, जो भी रेट पे आप सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस वाज अबाउट द ड्रग्स। देन नेक्स्ट नीचे जो मेटरनल आउटकम्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है वो क्या है? पल्स एज वेल एज ब्लड प्रेशर एंड द टेम्परेचर। सो पल्स की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किस तरीके से करते हैं? डॉटेड लाइन से, इस तरीके से, और ये भी हर 30 मिनट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और पल्स को भी अगेन वापस इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन के जरिए आपको क्या करना है? ज्वाइन। और ब्लड प्रेशर की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो एवरी 4 आवरली रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है? सो अगर आपने इनिशियली यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? बाय एरो, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन खींचेंगे और दोनों साइड में एरो बनाएंगे इस तरीके से, और लेटर ऑन भी आप इसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं आफ्टर 4 आवर बाय स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। और अगर वुमेन जो है वो हाइपरटेंसिव है, इन दैट कंडीशन में जो रिकॉर्डिंग है वो आप आर्ली कर सकते हैं, हर 1 घंटे में मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे
पल्स एज वेल एज ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग. पल्स जो है वो हर 30 मिनट के अंदर करना है और ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग हर 4 आवरली करनी है. और नीचे टेम्परेचर भी जो है वो आप 2 से लेके 4 आवर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, या इसे आप 2 आवरली रिपीट कर सकते हैं या फिर 4 आवरली रिपीट कर सकते हैं. और उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है जो कि पार्टोग्राफ के अंदर मेंशन किया जाता है, वो क्या है? यूरिन आउटपुट. ओके, सो यूरिन आउटपुट के अंदर हम यूरिन के अंदर वुमेन कितनी बार वॉइड कर रही है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, एज वेल एज एसीटोन अमाउंट कितना यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है उसको मेंशन कर सकते हैं. और अगर प्रोटीन भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं. सो हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कितना लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. सो इस तरीके से ये जो पार्टोग्राफ था उसे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड पार्टोग्राफ. सो इस मॉडिफाइड पार्टोग्राफ के अंदर हमने बहुत सारे फिगर्स देखे. तो अभी तक हमने जो दो वैरायटी यहाँ पे देखी है, दो वर्जन्स जो देखे हैं वो कौन से हैं? मॉडिफाइड एज वेल एज कंपोजिट. सो कंपोजिट के अंदर क्या था, लेट मी शो यू द इमेज वंस अगेन सो यू कैन कंपेयर इजिली. कंपोजिट पार्टोग्राफ के अंदर क्या चीज़ मेंशन है? लेटेंट फेस. लेकिन मॉडिफाइड के अंदर डायरेक्टली एक्टिव फेस से मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है, प्लॉटिंग स्टार्ट होती है, जो कि 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन से स्टार्ट होता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड द मॉडिफाइड पार्टोग्राफ. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से पार्टोग्राफ प्लॉटिंग की जाती है. इसके अलावा जो एक और पार्टोग्राफ दिया गया था जिसे कि 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था WHO ने, सो उसे कहते हैं सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ. सो उसकी भी इमेज हम देखेंगे यहाँ पे. सो दिस वन इज द सिंप्लीफाइड वन. सो यहाँ पे देख सकते हैं सिंप्लीफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली माना गया, क्योंकि इसमें अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है. ओनली यहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन को मेंशन किया गया है. दिस वन इज द सर्वाइकल डायलिटेशन. ये भी अगेन जैसा कि उसमें भी हमने देखा था 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट हो रहा है अप टिल 10 सेंटीमीटर. और ये कलर कोडेड है, जिसके अंदर ग्रीन कलर पे अगर पार्टोग्राफ प्लॉटिंग होती है तो ये इंडिकेट किया गया है कि लेबर जो है वो एक नॉर्मल रेट पे हो रहा है. लेकिन अगर प्लॉटिंग येलो कलर में जाती है तो इसको क्लोज विजिलेंस की ज़रूरत है. लेकिन अगर पार्टोग्राफ प्लॉटिंग रेड कलर के अंदर जा रही है, पिंक टू रेड कलर के अंदर, तो क्या इंडिकेट किया गया है? देयर विल बी अ डेंजर और यू नीड टू टेक अ एक्शन. सो ये ज़्यादा सिंपलर फॉर्म है पार्टोग्राफ का, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है ईजिली. एंड बाकी सारी जो मेंशंस हैं आर्स सिंस द मेम्ब्रेन रप्चर, अर्ली असेसमेंट, वजाइनल ब्लीडिंग, एमनियोटिक फ्लूइड, म्यूकोनियम स्टेन और नॉट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, फीटल हार्ट रेट कितनी है, वुमेन ने यूरिन वॉइड किया है या नहीं किया है, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर. और ये जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं ये सारी क्या हैं? टाइम्स इन आर. ओके, सो इन सब आर के अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग, ऑक्सीटोजन इन्फ्यूजन, एनी अदर प्रॉब्लम, सर्वाइकल डायलिटेशन, प्लेसेंटा डिलीवर्ड एट वॉट टाइम, ये सारी मेंशन की जाती है इन सिंप्लीफाइड WHO पार्टोग्राफ, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर यूज़ की जाती है. तो यहाँ पे इस लेक्चर के ज़रिए हमने पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग कैसे की जाती है, उसको किसके ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया, और कौन सी 3 वेराइटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम पार्टोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं. अर्लियर इट वॉज कंपोजिट पार्टोग्राफ, लेटर ऑन मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, और ये थर्डली जो इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइमरी सेंटर्स पे वो है सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ. लेकिन इसके अंदर डिसेंट ऑफ हाइट को मेंशन नहीं किया गया. तो इस तरीके से हमने पार्टोग्राफ प्लॉटिंग को देखा. और मॉडिफाइड पार्टोग्राफ को यूजुअली प्रेफर किया जाता है और यूज़ किया जाता है इन इक्विप्ड हॉस्पिटल्स. तो इस तरीके से प्लॉटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हमने समझा. आई होप दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्लॉट पार्टोग्राफ. थैंक यू.